हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखो, ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाली, दिस हैव कंटेन्स ओनली शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। डिटेल वाला मैं अभी नाइन्थ क्लास का जब एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, देन उसमें पूरी डिटेल रहेगी एलिमेंट, पूरी डिटेल रहेगी कंपाउंड के बारे में। यहाँ पे बस मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत ना हो। मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सिखा सकता था, लेकिन वो मुझे पचेगा नहीं, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? सो हियर आई एम विद टू डेफिनेशन, दो डेफिनेशन मेरे पास, पहला समझते हैं फिर दूसरा समझेंगे। सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। मैंने एस1 वाली का कॉपी मार दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक मैटर है आपके पास, मानते हैं H2O, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, उसको आप सिंपल बना रहे हो, यू विल हैव H2 एंड O2। इसको आप और डिवाइड किए, यू हैव एच एंड एच, यू हैव ओ एंड ओ। इसको आप और डिवाइड करके कुछ लिखना चाहोगे जो इसी मैटर का पार्ट हो, देन अब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि आप इसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। ये देने फिर ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, आप इसको और छोटा और करोगे तो ये हाइड्रोजन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। तो वो कंसर्न नहीं है हमारा, हमारा कंसर्न ये है कि एक सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर जिसको और सिंपलर नहीं कर सकते आप, हाइड्रोजन से उसको और सिंपलर करके कुछ और नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ और बना दोगे देन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विल नॉट बी लाइक एनी सब्सटेंस, का आइडेंटिटी नहीं होल्ड करता है, किसी भी पर्टिकुलर मैटर का आइडेंटिटी वो होल्ड नहीं करता। डेटा एट रैंडम, एक इलेक्ट्रॉन किसी का भी पार्ट हो सकता है, मे बी वो इलेक्ट्रॉन किसका है, वो कैल्शियम का है, पोटेशियम का है, किसका है, यू कांट सी। वो कलेक्शन जो होगा वो एक पर्टिकुलर चीज़ का आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है। सो इसको आप और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्म मिला मैटर का जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज एलिमेंट। वैसे आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? अब आई थिंक 114 या 113, आप बोलो नहीं सर 118 देखते हैं। तो 118 पेपर पे हैं, वो जो लास्ट में आ रहा है ना UUU वाला करके, ठीक है। तो UUB UUC समथिंग आई हैव पीरियोडिक टेबल हियर, इट्स लाइक UUT UUB UUP एटसेट्रा। तो आपके पास वो जो है ना वो पेपर पे हैं, वो प्रिडिक्शन है, एक प्रिडिक्शन है कि वो आ सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स, बट इट इज़ प्रूव्ड ओनली ऑन पेपर्स, इट इज़ नॉट ऑब्टेन इन लैबोरेटरी। सो वो नहीं है, अभी 113 या 114 है, यू कैन कन्फर्म इट, बिकॉज मेरे पास जो 113 वाला डेटा है इट्स लाइक 3 ईयर्स फ्रॉम बैक, ठीक है। तो नया वाला क्या है, यू कैन सर्च इट ऑन नेट, एक वेबसाइट है www. तो कोई भी बोल सकता है elements.com, आई थिंक elements.com। तो आप उसपे देख लो, उससे आपको नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं उसके लिए आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये वेबसाइट है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, यू शुड टेक ए लुक। चलो, तो उतने एलिमेंट्स है हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। नेक्स्ट, दोज प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो बिकॉज हाइड्रोजन विल कंटेन ओनली हाइड्रोजन एटम्स। व्हाट इज एटम्स? व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बोलोगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो, लेकिन मैं यही कहूँगा, आप जब एक पेपर को फाड़ते हो दिन जो उसका दो पार्ट निकलता है वो भी पेपर होता है ना, कितना भी छोटा कर दो आपको पेपर 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 ही मिलेगा। तब इस एटम को और छोटा करोगे यू विल गेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, एक और चीज़, जब वो छोटा कर रहे हैं उस चीज़ को, देन वो छोटा वाला सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बड़े वाले से मैच करना चाहिए। आप एक लकड़ी को काटे, जैसे ये लोग बाहर काट रहे हैं, तो आप लकड़ी को काटे देन जो कटा हुआ लकड़ी है वो प्रॉपर्टी पुराने लकड़ी से मैच करेगा, कितना भी छोटा करोगे वो लकड़ी लकड़ी ही रहेगा। वैसे कैल्शियम को या हाइड्रोजन को आप छोटा करते गए, हमेशा आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा। एक समय आएगा जब आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल आ जाएगा एटम, ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं सर और छोटा तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, बट ये एक अकेला प्रोटॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एक अकेला न्यूट्रॉन डू नॉट डिनोट दैट ये हाइड्रोजन का है। इट मे हैपन ये ऑक्सीजन का भी हो सकता है ना, इट मे हैपन ये किसी और एलिमेंट का हो सकता है। हाउ कैन यू से दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। योर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये यू कैन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। आई एम नॉट सेइंग मैटर, आई एम सेइंग एलिमेंट, ठीक है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसके आप और छोटा करेंगे तो आपको एलिमेंट के प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन वो एक प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, यू कांट से, ठीक है। इसलिए एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो एलिमेंट का नहीं, वो मैटर का है, वो मैटर वी आर नॉट स्पेसिफाइंग दैट मैटर, ठीक है। चलो, ये हो गया एलिमेंट। आई विल से दोनों डेफिनेशन गलत है या इनकम्प्लीट है, आप बोलोगे फिर लिखा क्यों, बताने के लिए कि ये दोनों डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ते हैं।
लेकिन यू शुड बी स्मार्टर, आपको ये दोनों डिप्रेशन के अलावा एक सही सबसे सही डिप्रेशन यूज करना चाहिए, जो कि सुनने में लगेगा क्या डिप्रेशन है लेकिन एक्चुअली वही होगा। आप उसको और छोटा नहीं कर सकते। व्हेन यू विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन देन आप यूरेनियम 92-235 पे जब न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन 10 3 न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराओगे उसके न्यूक्लियस पे, देन यू विल हैव बैरियम, यू विल हैव क्रिप्टन, एक न्यूट्रॉन सॉरी, एंड यू विल हैव 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 2-4 चार्ज ऊपर लिखाता है, 2-4 यस चार्ज ऊपर लिखाता है, दिस इज 10, दिस इज 10। ठीक है, लेट मी थिंक वंस अगेन, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, Hg2+ इज रिटन एज Hg24, दिस इज चार्ज, यस दिस इज चार्ज, दिस इज 01 भाई, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 01, ऊपर मास लिखाता है, 2+ है, हाँ ठीक, चलो ये भी एक अलग नोटेशन है डोनेट करने का, इसमें नीचे चार्ज लिखते हैं ऊपर मास लिखते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं इसको, आई एग्री, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नीचे ये जब लिखते हैं डिनोट चार्ज, पर 92 चार्ज है, नो इट इज एटॉमिक नंबर ओनली, ये किसी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेसिफाइक हो जाता है वहाँ पे, +2 लिख दो मन करे तो। चलो तो ये हो गया, तो आपने बोला इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, आपने इसको डिकम्पोज किया, वो भी दो अलग अलग एलिमेंट्स को डिकम्पोज कर दिया, सो दिस रिएक्शन गोज रॉन्ग। आप बोलते हो जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, इसको और डिटेल में देखना था, जब मैं 9th क्लास वाला जब अपलोड कर दूंगा तो उसमें अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दूंगा, अभी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट्स आई एम गोइंग फास्ट। सेम टाइप ऑफ एटम्स, व्हेन यू विल हैव आइसोटोप्स, जिसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन 12 एंड कार्बन 13 एंड कार्बन 14, इट मींस ये सारे कार्बन ही हैं लेकिन ये डिफरेंस है इसमें, सबका मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम करने का मतलब सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें 8 होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है दोनों में, तीनों में सेम है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो दो एटम तभी सेम होगा जब दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, प्रोटॉन भी सेम हो, न्यूट्रॉन भी सेम हो, लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई ए है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम हुआ नहीं, इसका मतलब कि एक कार्बन अगर आप उसका ढेला लो, एक पत्थर लो कार्बन का, उस कार्बन में 3 कार्बन है, एक कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। ठीक है, और जब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एटम्स हैं, अब तीनों आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर सबका डिफरेंट है, तो हाउ कैन यू से दैट दीज कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, तीनों में डिफरेंट है ना, व्हाई हाउ कैन दीज एटम बी डिफरेंट, बिकॉज दीज एटम कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दैट्स द फैक्ट कि सेम टाइप ऑफ एटम्स भी नहीं रहे। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा सिर्फ कार्बन में होता होगा आइसोटोप्स, नो, नियरली 113 में से लगभग 80-85 के पास आइसोटोप्स हैं, सो ये डिफरेंस गलत चला गया क्योंकि अब सेम टाइप ऑफ एटम्स तो रहे नहीं, अलग अलग हैं एटम्स मेरे पास। So, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एलिमेंट्स आर दोज केमिकल स्पेसिस विच हैव ए यूनिक प्लेस, ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल नहीं लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जिसके पास एक सिग्निफिकेंट प्लेस रहे उसको एलिमेंट बोलेंगे, बस सिंपल सा डेफिनेशन बनाओ, काम खत्म करो, उससे आप कहीं पर आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट प्लेस है इट डज नॉट मीन आप इसको तोड़ नहीं सकते, टूट सकता है कोई बात नहीं है, इसका भी सिग्निफिकेंट प्लेस है, इसका भी सिग्निफिकेंट, सबका सिग्निफिकेंट प्लेस है, और उसी सिग्निफिकेंट प्लेस में उस मोनो कार्बन लिख के आप उसमें उसके आइसोटोप्स को भी आराम से डील कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, इससे ये हो गया आपका एलिमेंट, लेट्स मूव टू कंपाउंड। सो व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड इज लाइक डोसा, डोसा वाला एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कैसे, तो वो बताता हूँ, सो दैट्स द कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, यूनियन, यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए इसका कॉम्बिनेशन में, एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सिंपल सा एग्जांपल से लेता हूं मैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका मास होता है 1U, इसका मास होता है 16U, U इज एटॉमिक मास यूनिट, वैल्यू 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। अगर इसका समझना है U और U एटॉमिक मास यूनिट क्या है, देन मोल कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट आप ढूंढ लो, एटॉमिक मास मैंने अलग से पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके देख लो उसको। चलो, दिस इज HNO, जब वाटर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं हम लोग, देन इट फॉर्म्स H2O, ये कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस है, ये दो एलिमेंट ने कम्बाइन किए, एक न्यू सब्सटेंस बना। ठीक है, दोनों केमिकली कम्बाइन हुआ, न्यू सब्सटेंस कैसे है, ये गैस गैस, ये लिक्विड, ये दोनों अलग है, ये इससे आग, इसमें आग लग सकती है, ये आग लगाने का काम करता है और ये आग बुझाने का काम करता है, इसलिए प्रॉपर्टीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। फिक्स रेशियो है बाई मास का, मतलब कि
इसको मिलाएं हम लोग, हाइड्रोजन इसमें 2U है, ऑक्सीजन इसमें 16U है, इसमें हाइड्रोजन 2 है ना, इसमें ऑक्सीजन 1 है, दोनों का रेशियो निकालो, वी हैव 1:8। मतलब जब भी वाटर बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के रेशियो से ही बनेगा। और ये 1:8 का रेशियो डू नॉट डिपेंड्स ऑन द सोर्स फ्रॉम वेयर ऑब्टेनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर लो, टैप वाटर लो, पॉन्ड में से जाके ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, वो वाटर का रेशियो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर दवाई खरीद रहे हो, वो दवाई का कंपोजिशन, वो दवाई का रेशियो हमेशा फिक्स है कि उसमें वो पर्टिकुलर केमिकल्स उसी रेशियो से मिले हुए रहेंगे। अब चाहे उसको किसी दुकान से खरीदो, फैक्ट्री से जाकर खरीदो, कहीं से जाकर खरीदो, इट्स सेम। तो इस फिक्स रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा बाय मास का, चाहे आप उसको कहीं भी बनाओ, किसी लैब में बनाओ, किसी भी प्रोसेस से बनाओ, वाटर आप न्यूट्रिशन से ला रहे हो, किसी और प्रोसेस से ला रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको वाटर हमेशा 1:8 का रेशियो से ही मिलेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, केमिकली कंबाइन होना चाहिए, मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए, जो सब्सटेंस बना वो न्यू होना चाहिए, नहीं तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी मिला हुआ है लेकिन बारिश हो रही है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गुब्बारा ले लो, ऑक्सीजन गुब्बारा ले लो, ब्लास्ट करवा दो तो बारिश हो जाएगी? नो, बिकॉज वहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला लेकिन मिक्सचर बना दिया। ठीक है, I'm knowing that I'm going fast, but you have to बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोबारा दूसरा था एलिमेंट होना चाहिए, चलो ये सही हो गया, दिस इज योर कंपाउंड 1:8 का रेशियो। फॉर एग्जांपल डोसा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, डोसा में आपका उड़द का दाल है, चावल का आटा है, लगभग 3:1 के रेशियो में, रेशियो चेंज भी हो सकता है, ये लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी। तो ये रेशियो फिक्स करने का मतलब होता है कि एवरी टाइम व्हेन यू विल मेक डोसा, आपको उड़द का दाल और चावल का आटा को हमेशा इसी रेशियो में मिलाना पड़ेगा। ये 3 कप तो 1 कप, ये 3 बाल्टी 1 बाल्टी, ये 3 टंकी 1 टंकी, इस सेंस में। ठीक है, तो दिस इज योर डोसा, हम जब जहाँ भी डोसा खाओगे एक स्टैंडर्ड रेशियो, यही हर जगह सेम रेशियो में ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप घर पे बनाओ, किसी से बनवाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, साउथ में जाके खाओ, अमेरिका जाके खाओ, दिस रेशियो रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो दिस इज ओके डोसा। कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अगर H2O को तोड़ देंगे देन यू हैव H2 एंड O2, और H2 और O2 कंपाउंड का पार्टिकल नहीं है, फिर वो एलिमेंट का पार्टिकल हो गया। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। इसके बाद इसको और छोटा करेंगे तो आपके पास कंपाउंड नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन होता है कि यार ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड तो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, देन हाउ कैन इट बी प्योर, बिकॉज कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं कि प्योर मतलब सेम टाइप ऑफ ना, तो मैंने कहा वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आपके पास वाटर है, वाटर मीन्स व्हाट, वाटर मीन्स H2O, एक टीम वर्क, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक टीम है H2O। ठीक है, तो इसके पास क्या है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आप जहां भी जाओगे वाटर में H2O ही मिलेगा। ठीक है, हाँ H2O एक मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन वो एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, नहीं जैसे 2 जान 1 आत्मा उस टाइप से, तो ये उस टाइप का ये काम कर रहा है, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, जैसे आप एक नॉर्मल वो नमकीन मिक्सचर खाते हैं, देन उस नमकीन मिक्सचर में क्या है, सबका अलग अलग स्वाद आता है, वो बादाम का अलग आ रहा है, वो नमकीन सेब का अलग आ रहा है, वो मूंग दाल का अलग आ रहा है, सबका अलग अलग स्वाद आ रहा है, मुंह में पानी आ गया सबका अलग अलग स्वाद आ रहा है। ठीक है, तो डेट इज ए मिक्सचर, डेट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन पानी चीनी का आप, नॉट पानी चीनी सॉरी, आप अगर पानी ले लो, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा चीज ले लो कंपाउंड है, और उसको आप टेस्ट करो, फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लो, देन NaCl का एक ही स्वाद आएगा, दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो H2O वहाँ पे पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल एक फिक्स काम कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग ए टीम वर्क, उसको एक से एक की तरह काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लोग डांस करेंगे, 10 लोग अलग अलग डांस कर रहे हैं तो यू विल से दैट इज ए मिक्सचर, लेकिन 10 लोग एक ही जैसा डांस कर रहे हैं तो एक ही साथ मिलकर डेट इज अ टीम वर्क एकदम सेम कॉर्डिनेशन के साथ, देन यू कैन से दैट इट इज ए पार्टिकल, सेम पार्टिकल है सब। वैसे ही अगर 2 लोग अलग अलग ऐसे चलने जा रहे हैं, लेकिन 2 लोगों को एकदम एक मिला दो, वो एक एक पार्टिकल की तरह काम करेंगे, देन वो अलग हो जाता है। इसलिए प्योर इसलिए क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। व्हाट आर दिस पार्टिकल्स, पार्टिकल इज H2O itself, H2O एक कंबाइंड इफेक्ट में काम कर रहा है, एच और ओ का अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, H2O का एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी, वो H2O का प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एच एंड ओ, इट इज H2O। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स करने का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ले लोगे मतलब 2 प्रॉपर्टी आपको दिखने लगेंगे, लेकिन आप शुद्ध सब्सटेंस, शुद्ध देसी घी में आपको सिर्फ एक घी का ही प्रॉपर्टी चाहिए, सिंपल सी बात है। सो दैट इज योर कंपाउंड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सिंबल एंड वैलेंसी। ओके, हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, भूल जाते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगे लाइक करो, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करो, प्लीज गिव अस फीडबैक, व्हाई हैव यू डिसलाइक। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट, थैंक यू।